हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। जैसा कि आप जानते हो, कल है बांसोड़ा, शीतला माता का दिन है और शीतला माता की तैयारी के लिए आज से ही लग जाते हैं। आज ही शीतला माता के लिए खाना बना कर रख देते हैं और उसी बासी खाने से कल शीतला माता का पूजन करेंगे। तो मैं आपके लिए लाई हूँ बांसोड़ा शीतला माता की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि हर नई वीडियो के लिए आपको मेरा लिंक मिल जाए और आप नई वीडियो कोई मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बोल शीतला माता की जय। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वह बांसोड़ा से एक दिन पहले भोजन बनाती थी तथा अगले दिन शीतला माता की पूजा करके और सारे दिन बासी भोजन खाती थी। उसके अलावा उस गांव में और कोई शीतला माता की पूजा नहीं करता था और ना ही बासी भोजन खाता था। एक दिन बुढ़िया माई के गांव में आग लग गई। बुढ़िया माई की झोपड़ी को छोड़कर सभी की झोपड़ियाँ जल गईं। तभी सभी गांव वाले इकट्ठे होकर आए और बुढ़िया माई से पूछा कि माई ये कैसे हुआ। तब बुढ़िया माई ने बताया कि मैं शीतला माता की पूजा करती हूँ और एक दिन पहले बासी खाना बनाकर रात को ही रख देती हूँ और अगले दिन शीतला माता का पूजन कर वही सारे दिन मैं बासी खाना खाती हूँ। तभी से सभी गाँव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और तभी से यह बांसोड़ा मनाया जाने लगा। और एक दिन पहले सभी बासी भोजन बनाकर रखते हैं और अगले दिन शीतला माता का पूजन करते हैं। हे शीतला माता, जैसे उस बुढ़िया माई पर आपने कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको शीतला माता ठंडी छाया देना। बोल शीतला माता की जय।